नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में मैराथन का आयोजन किया गया है। देश की एकता और नशा मुक्ति के लिए मैराथन का आयोजन किया गया है। सीएम धामी मैराथन में हुए शामिल। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को किया रवाना। मैराथन में 15,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से किया गया आयोजन। सिंगर कैलाश खेर ने बांधा समा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मैराथन का आयोजन किया गया और मैराथन में 15,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर भाग लिया है, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन की लिंक भी जारी की गई थी। उत्तराखंड पुलिस ने इसे अपने पोर्टल पर, वेबसाइट पर भी जारी किया था और साथ ही इसे लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया था कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मुहिम चली जा रही है, जिसके तहत इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा करके इस मैराथन का आगाज किया। मैराथन को लेकर के पहले ही वेबसाइट पर लिंक जारी कर दी गई थी, जहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। और वहीं मैराथन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ संगीतकार कैलाश खेर भी मौजूद है। ठंडा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आज से आजीवन मादक पदार्थों के नशे से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा। उत्तराखंड पुलिस की ओर से आयोजित इस मैराथन दौड़ की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थी, जिसमें प्रदेश के 15,000 से ज्यादा युवाओं ने प्रतिभाग किया, तो 114 विदेशी खिलाड़ी भी मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस दौरान मानव अधिकार संरक्षण के लोग भी मौजूद रहे। लोगों को ड्रग्स न लेने की शपथ भी दिलाई गई। नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त देवभूमि की जो ये पहल है, ये निरंतर चाहे पुलिस हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं आज देवभूमि को नशा मुक्त व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, उनकी एक ऐसी परिकल्पना है, तो उसके लिए पुलिस का प्रयास और जो सरकार का प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। सबसे पहले तो मैं इस मैराथन आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे उत्तराखंड के पुलिस विभाग को, विशेषकर डीजीपी सर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और आज माता मंगला भोले जी महाराज, कैलाश खेर जी, तमाम विद्वान यहाँ पर लोग आए थे, जिन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि पूरा प्रदेश और पूरा विश्व, पूरा देश व्यसन मुक्त रहे। सहयोगी हितेश अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, किस तरीके से इस मैराथन का आयोजन किया गया, क्योंकि बताया ये गया था कि लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही यहां पर कोशिश की जाएगी कि जो नशा मुक्त अभियान है उसे भी, इसकी पहल को भी इसमें शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से रन फॉर यूनिटी और नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत उत्तराखंड पुलिस ने ये कार्यक्रम आयोजन किया और जाहिर सी बात है कि 15,000 से ज़्यादा धावकों ने सड़कों पर फर्राटा भरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर सभी धावकों को रवाना किया और इसमें तमाम ऐसे दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने देश की अखंडता, संस्कृति और संप्रभुता को एक साथ रखने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को नशा मुक्त और उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए वचन दिलाया, एक संकल्प दिलाया। कैलाश खेर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने अपने संगीत में तरीके से समा बांध दिया। तो वहीं कई ऐसे लोग, क्योंकि डीजीपी सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम के आयोजक थे और उन्होंने ही जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड का और पूरे देश भर के युवाओं को एकजुट करने का काम यहाँ पर किया गया है। जी, सुबह 7:30 बजे हरी झंडी दिखाई गई थी और क्या कुछ रहा, कितनी देर तक ये रन फॉर यूनिटी जो थी आयोजित किया गया था, जो मैराथन कितनी देर तक चला, और इसमें ये बात भी निकल करके सामने आ रही थी जो विजेता हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7:30 बजे ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर सभी धावकों को रवाना किया। तो वहीं देहरादून राजधानी के जो मुख्य मार्ग है वो पूरा जो रूट डाइवर्ट था और सभी जो धावक है वो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के दो कैटेगरी थी। जो पहली जो धावक थे वो 10 किलोमीटर के लिए रवाना हुए, जो दूसरे धावक थे वो 20 किलोमीटर के लिए रवाना हुए। उन्हीं के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धावकों के साथ रवाना होकर उनका उत्साहवर्धन किया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है महिलाओं की अलग कैटेगरी थी, पुरुषों की अलग कैटेगरी थी, सभी को 3 प्राइजेज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 तरीकों में यहाँ पर पुरस्कार अभी दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
और खबरों में अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 27 साल के गिरफ्तार आरोपी का नाम कलीम बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। आरोपी के पास से 201 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया है कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर देहरादून और हरिद्वार में सप्लाई करता था। पिछले 1 महीने से वो पुलिस और एसओजी के रडार पर था। बीती रात श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन चंडीघाट पुल के नीचे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी एनडीपीएस एक्ट में देहरादून में गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसका नाम कलीम है, वो सहारनपुर का रहने वाला है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार है। ये हमारी एसओजी की टीम और श्यामपुर थाने की टीम लगभग 1 महीने से इसके पीछे लगी हुई थी। इसके बारे में इनपुट था कि ये रेगुलरली स्मैक लेके आता है और उसकी सप्लाई देहरादून, हरिद्वार और सहारनपुर में करता है। एक सूचना मिली थी, उसको तस्दीक करने के बाद उसमें एसओ श्यामपुर अपनी टीम लगाए थे और एसओजी से रंजीत तोमर अपनी टीम लगाए थे। दोनों लोगों की के सहयोग से कलीम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। एक तस्कर के पास से 201 ग्राम यहाँ पर कोकीन बरामद की गई है। आपको बता दें कि स्मैक की जो कीमत है वो लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पुलिस को किस तरीके से इनपुट मिले थे जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है तस्कर की? देखिए मीनाक्षी, लगातार ही हरिद्वार जिले में नशा मुक्त करने के लिए लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस नशे तस्कर को गिरफ्तार करने में जो टीम थी वो काफी दिनों से लगी हुई थी और शामपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए की जो स्मैक थी वो इससे बरामद हुई है। हालांकि जो इसके अन्य साथी है वो अभी फरार है, जल्द ही उनको भी पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लगातार ही हरिद्वार जिले में जो नशाखोरी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से ही जो हरिद्वार पुलिस है वो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। कहा जा सकता है कि इस नशा तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद जो अन्य इसके साथी है वो लगातार फरार चल रहे हैं। हालांकि इसकी निशानदेही पर इससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और उन्हें भी जल्द पकड़ने की बात कह रही है। यानी इस पूरे मसले पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। संजय, आप हमारे साथ बने रहे। वहीं हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है, जहां कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सांसद सत्यपाल सिंह ने रूप किशोर शास्त्री को पद से हटाकर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर सोमदेव सतांशु को कुलपति बनाया है। नवनियुक्त कुलपति सोमदेव सतांशु ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना चार्ज संभाला है। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। गौरतलब है कि प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने 22 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनील कुमार को पद से हटाकर अपने चहेते पंकज मदान को रजिस्ट्रार बना दिया था। फिलहाल कुलाधिपति के रूप में किशोर शास्त्री के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी को नया कुलपति मिलने से कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है। माननीय कुलाधिपति जी का आदेश प्राप्त हुआ कार्यवाह कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और बाकी जो रजिस्ट्रार महोदय थे सुनील कुमार जी, उन्होंने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनको सूचना दे दी गई थी, फिर भी चाबी उन्हीं के रेजिडेंस में है, इस समय अनुपलब्ध हैं, कहाँ हैं इन्हीं पता। वो लोगों के 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, मुख्य रूप से तो ये लोगों में आक्रोश का कारण है। और उसमें भी जो सरकार है, सरकार से जो सहायता मिलती है ग्रांट वगैरह, वो नहीं आ पाई, इसलिए नहीं मिल पाया। उसकी व्यवस्था भी करने में लगे हम लोग और प्रयास करेंगे। संजय का रुख करेंगे। संजय, किस तरीके से आखिरकार ये विवाद इतना बढ़ गया कि सीधे कुलपति को ही यहाँ हटाने की नौबत आ गई? लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पहले भी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। ताजा मामला भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि जो बीते जो कुलपति थे उन्होंने अपने चहिते प्रोफेसर को यहाँ पर नियुक्ति दी थी, उसके बाद से ही लगातार वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही थी।
हालांकि जो अब नए कुलपति आए हैं यानी सोमनाथ जी अब यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं और ये लगातार सभी से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि हमने देखा है कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में लगातार वर्चस्व की लड़ाई है। हालांकि इतना ही नहीं, पहले कई तरह के विवाद भी यहाँ पर हुए हैं। हालांकि अब जिस तरह से सोमनाथ ने यहाँ का कार्यभार बिल्कुल विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पे कुलपति को ही बदलना पड़ गया। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चौपाल पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सुनिए। सीमाओं का रेखांकन होने के बाद भी हमारे दिल के रिश्ते एक हैं। दिलों का सीमांकन नहीं हुआ है, दिल हमारे मिले हुए हैं। मैं देखिए, आज पूरा देश और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। आज हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आज उन्होंने हिंदुस्तान का मान सम्मान केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया है। एक नई पहचान भारत को किसी के नेतृत्व में मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। भाइयों बहनों, मैं चूंकि आप सबके बीच में आकर कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई भाषण देने के लिए आया हूं। मैं आपसे 10 मिनट अपने मन की बात करने के लिए आया हूं। जब मैं मुख्य सेवक के रूप में मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली थी तो चुनाव के मात्र 6 महीने बचे हुए थे और तमाम प्रकार के जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक जिनको कहते हैं, राजनीतिक विद्वान जो बहुत सारे विश्लेषण करते हैं, वो सारे के सारे कह रहे थे कि इस बार तो यहां सरकार बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और मुझे भी लोग रोज कहते थे कि आप तो गलत टाइम पर मुख्यमंत्री बन गए। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे पास ताकत थी हमारे नेतृत्व की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पूरे संगठन की, और उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाने का काम किया, एक मिठक तोड़ा और एक नया इतिहास बना दिया। पहली बार जब से चुनाव होते थे 2000 में राज्य बनाओ और पहला चुनाव 2002 में हुआ। हिमाचल के चौपाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। आने वाले वक्त में मतदान होने हैं 12 नवंबर को और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और प्रचार करने आ पहुंचे हुए हैं। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, इसी श्रृंखला में 4 नवंबर को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू करने जा रहे हैं, सीएम धामी इसे लॉन्च करेंगे। गणेश जोशी ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक जब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा तो हम समूह की 367,000 महिलाओं में से 1,25,000 बहनों को 2025 तक लखपति बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक जब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा, जो हमारी समूह की महिलाएं 367,000 समूह के माध्यम से काम कर रही हैं, उनमें से 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे। उस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के भी लोगों को आवास दिए जाएंगे। इसी प्रकार कौशल विकास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो एक कार्यक्रम की तारीख को निश्चित किया है। सहयोगी हितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, क्या ये योजना है जिसमें महिलाओं को लखपति बनाने की बात कह रहे हैं ग्राम विकास मंत्री? जी बिल्कुल, देखिए लखपति दीदी योजना
जो ग्राम्य विकास कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने इसके तहत अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनके साथ इसका क्रियान्वयन करने की उनको निर्देशित किया गया है, क्योंकि जो आने वाले 2025 है और उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है उस दिन इस लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि जो समूह में काम यहां पर कर रही हैं उत्तराखंड के अंदर जो महिलाएं, उन 225,000 महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रखा है। जी हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से, जहां गंगा स्वरूप आश्रम में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की ओर से 3 दिवसीय श्री गुरु रविदास कथा का आयोजन किया गया है। पूर्व विधायक और रविदासाचार्य सुरेश राठौर के मुखारविंद से भक्त गुरु रविदास की कथा को सुनेंगे। शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया है। इस कथा में देश के 15 राज्यों से श्रद्धालु रविदास जी की कथा सुनने हरिद्वार पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कथा के शुभारंभ अवसर पर कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने देश दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। उनकी कथाएं पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के सपने में से एक का आधार का काम करेगी। जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भारत की संस्कृति का जो एक महान तत्व जिसने हमको पूरी दुनिया में विश्व गुरु का स्थान दिलाया, उन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के अभी जो आचार्य जी रविदासाचार्य जी 3 दिन की कथा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके का वातावरण बनने से निश्चित रूप में जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते चाहते हैं कि पूरा देश सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास एक साथ जुड़ करके कैसे हो सकता है, ये कथाएं उसमें निश्चित बहुत बड़े आधार का काम करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। खबर भगवानपुर से, जहां क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक बार फिर देहरादून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने डारा जलालपुर गाँव में छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में दवाई और उनके रैपर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ड्रग्स विभाग के अधिकारी का कहना है कि गांव में नकली एलोपैथिक दवाइयां भी बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले का मुख्य आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही बाकी आरोपियों के खिलाफ भगवानपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जलालपुर डाडा भगवानपुर में किसी गाँव में एक शिकायत मिली थी कि वहाँ पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है, और एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम द्वारा वहाँ पे एफडीए विजिलेंस के द्वारा वहाँ पे छापा मारा गया, और मौके पे वहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी, फूड के जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी मल्टी विटामिन, उसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों का भी निर्माण किया जा रहा था, और मौके पे हमारे द्वारा वहाँ पर से 7 पेटियाँ दवाइयों की और उसके अतिरिक्त कुछ मशीनें और एल्यूमिनियम फॉइल्स पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया है। भगवानपुर हरिद्वार की एक खबर है, जो नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और बड़ी मात्रा में यहां पर खेप बरामद की गई है नकली दवाइयां बनाने की। आपको बता दें कि 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही अन्य की तलाश भी जारी है। ऐसे में पूरी छानबीन की जा रही है, जाँच बैठाई जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से और कब से ये नकली दवाइयां बनाने का कारोबार फल फूल रहा था। बात करेंगे रुड़की की, जहाँ शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रुड़की में अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि रुड़की शहर में एक ही दिन में 5 चोरियां हुई हैं, जो कि एक बड़ी घटना है। आशीष सैनी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ पुलिस से अपनी राजनीतिक कार्यशैली को लेकर ही काम कराने में लगी है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान साफ देखा गया है कि प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों ने किस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट को हराने का काम किया है। इलाके में पत्रकारों के साथ भी लूट और चोरी जैसे मामले सामने आए हैं। इन मामलों को देखकर लगता है कि अब चोरों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, वहीं पुलिस सिर्फ राजनेताओं के कहने पर उनकी बताई गई बातों के आधार पर अपने काम को अंजाम दे रही है। खंड सरकार के अगर हम
काम करने की शैली को देखेंगे तो उन्होंने पुलिस का उपयोग अपने राजनीतिक कार्यों में करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन है वो सुरक्षा देने के बजाय अब केवल भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे काम करता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक विभाग के हैं उनके घर पे चोरी हो जाती है, एक हमारे सम्मानित पत्रकार हैं उनके वाहन को दिन दहाड़े ई रिक्शा में लाद कर चोर ले जाते हैं, उसके बाद उन्हीं पत्रकार के साथ चैन लूट भी हुई है और दिन दहाड़े चोरियों का इतना एक सिलसिला शुरू हो चुका है चोरियों का राजनी का, वो इस प्रशासनिक विफलता को उजागर कर रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है। मेरा एक निवेदन है कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक कार्यों में लिप्त होने के बजाय वो देश के प्रति जो संविधान के प्रति जो शपथ ली है उसके अनुसार हमारी सुरक्षा करने। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटी BHUL के मुख्य चिकित्सालय परिसर में एक हाथी के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि अस्पताल की टूटी बाउंड्री से घुसकर हाथी अस्पताल परिसर में पहुंच गया था, जिससे मरीजों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि काफी देर तक परिसर में चहलकदमी करने के बाद हाथी वापस जंगल में लौट गया। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से, जहां कोतवाली क्षेत्र के भूमानंद हॉस्पिटल के पास नवनिर्मित कॉलोनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। जमीन के मालिक के पुत्र सचिन ने आरोप लगाते हुए बताया कि जमीन का एक टुकड़ा मोदीनगर निवासियों को बेचा गया था और कुछ जमीन अपने रहने के लिए रखी गई थी। इसमें लंबे समय से एक आश्रम बना हुआ है। जब दीपावली के त्यौहार पर अपने गाँव हापुड़ गए हुए थे, इस दौरान कुछ दबंगों ने आश्रम के अंदर रखे हुए सामान को बाहर निकाल दिया और आश्रम में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर अवैध तरीके से आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष की ओर से जमीन हमारे द्वारा खरीद ली गई है। पिछले आठ दिन से पुलिस मेरे घर पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा कराना चाह रही है। कल इन्होंने हद कर दी, इतना आतंक मचाया मेरे फार्म हाउस पे और वहाँ पे सब लूटपाट करी है, सारे ताले तोड़े गए, नौकरों को बांध के मारा गया है। उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके ले गई पुलिस, कैमरे ले गए, DVR ले गए, जेवर ले गए, गाड़ी ले गए एक, और गाय ले गए, ट्रैक्टर ट्रॉली ले गए, मतलब इस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है जिसका हद नहीं। हथियारबंद आदमी आए थे, मुंह पे इन्होंने कपड़ा लगाया, कैमरे पहले उस कमरे में गए जिसमें कैमरे लगे हुए थे, कैमरे सारे हटाए और कैमरे हटाने के बाद इन्होंने फिर सारा सामान बाहर निकाला। एक डेढ़ घंटे के अंदर जब तक पुलिस पे हम कॉल करते रहे कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई पुलिस वाला नहीं आया, सामान हटाया सारा, और सामान हटाने के बाद फिर पुलिस वाले आए तो सामान रुका है, फिर जब वो चले गए फिर रात को ले गए सारा सामान। अब वहाँ पर कोई सामान नहीं है, ना ही कोई आदमी है, हथियारबंद आदमी है वहाँ पे, ना हमें एंट्री दी जा रही है। अशोक कुमार जी से मिलने आए थे और उन्होंने बोला है कि SP SSP को मैं लिख देता हूँ और आश्वासन दिया है कि वो आपकी कार्रवाई